हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो है मिंत्रा का मिक्स हॉल, जिसमें से जो मैंने परचेज करा है वो है जीन्स टॉप जैकेट एंड स्वेटर, जो कि मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल गया है। और अगर आप कोई कूपन अप्लाई कर देते हो तो वो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है हर एक प्रोडक्ट पे। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल 6 हैं, और ये जो मैंने लिया है वो मैंने मिंत्रा की लास्ट सेल पे लिया है। मिंत्रा की सेल हर 3 दिन पे चेंज होती रहती है, बट ये शायद मैंने एंड ऑफ रीजन सेल पे लिया था, जो कि मिंत्रा की बहुत बड़ी सेल मानी जाती है, एंड ऑफ रीजन सेल। और अगर आपको हॉल्स वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर रिव्यूज, या फिर फैशन हैक, मैंने ऐसा कुछ अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है, आप वहां से देख सकते हो। अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो है ये पिंक कलर का टॉप लिया है। ये पिंक फ्लोरल प्रिंटेड है। ये इसका वी नेक है। वी नेक बहुत ही अनकॉमन होता है, ऐसे नहीं मिलता है। हर जगह आपको राउंड नेक मिल जाएगा, बट वी नेक नहीं मिलता है। और इसका जो डिजाइन है ये थोड़ा पैटर्न मुझे शर्ट स्टाइल लग रहा है, क्योंकि इसमें बटन्स भी दिए गए हैं आगे। शॉर्ट स्लीव के संग ये रेगुलर लेंथ है, क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है, ये रेगुलर लेंथ में दिया गया है। और इसका जो क्वालिटी है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो विंटर चल रहा है, बट हाँ, कुछ टाइम बाद आप आराम से पहन सकते हो इसको डे टाइम के लिए। ब्राइट कलर मुझे काफी अच्छा। मेरा साइज है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। जो आपका नॉर्मल साइज हो आप उसी साइज के संग जाना, और वैसे मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल ही आता है सारा, लेकिन मैंने एक दो टॉप का स्मॉल ले लिया है तो वो मेरे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। बट आप अपना जो साइज आता है उसी साइज के संग जाना आप, अगर आपको परचेज करना हो। और इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और स्क्रीन पे भी एड कर दूंगी अगर एड करने वाला हुआ तो, वहां से आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉप लिया है वो ड्रेसबेरी का ही, बिल्कुल जो लास्ट टॉप था उसी की तरह ही है, बट हाँ थोड़ा सा कलर चेंज है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोरल इसमें दिया गया है। ये पूरा सेम टू सेम पहले की तरह ही है, वी नेक एंड बटन से डिजाइन दी गई है, शॉर्ट स्लीव और रेगुलर लेंथ। लेकिन बस ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने स्मॉल कर दिया, तो मुझे साइज एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी इसका क्वालिटी बहुत वेरी के तो मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। अगर आपने मुझे मेरा एक टॉप हॉल है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से एक बार देख लेना। उसमें भी मैंने एक दो टॉप ड्रेस बनाए थे। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला था 330 रुपीज में मिला था, मतलब अंडर 350 रुपीज में मुझे ये मिल गया था। लेकिन अगर अभी आप देखते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेल पे कभी ना कभी हो जाता है, और कूपन अप्लाई करने के बाद अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से एक बार चेक कर सकते हो। ये काफी अच्छा टॉप है, आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और जो नेक्स्ट टॉप है वो है ड्रेसबेरी का मरून टॉप, जो कि ये है। ये रिप्ड फैब्रिक में आया है, और ये एल्बो तक इसकी स्लीव्स दी गई हैं, पफ स्लीव्स हैं, यहाँ पे पफ स्लीव्स दी गई हैं। और ये शॉर्ट टॉप है, वी नेक इसका है, तीनों ही वी नेक है, मुझे वी नेक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और ड्रेसबेरी का ही है ये। और ये भी स्मॉल है, बट हाँ ये मैं रख लूंगी, थोड़ा सा लूज आ रहा है बट मुझे अच्छा लग रहा है टॉप ब्लैक वाले से, क्योंकि ब्लैक वाला तो कुछ ज्यादा ही लूज आ रहा था, बट मुझे ये फिटिंग का टॉप मुझे मिला था ये 339 रुपीज का सिर्फ, ये तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसकी जो भी डिटेल्स होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर देना, या मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। आपने टॉप हॉल नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लेना। उसमें मैंने एक ब्लैक टॉप था हार्पा का, वो भी रिप टॉप था, वो भी बहुत अच्छा टॉप था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज करा है वो है एक ये स्वेटर, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्वेटर है ये लॉन्ग स्लीव में, और ये बहुत छोटा सा नेक है, ये राउंड नेक है, ये कोक एंड कीच का है, और ये स्मॉल साइज से स्टार्ट होता है, तो मैंने सबसे छोटा लिया था स्मॉल, तब भी मेरे थोड़ा सा बड़ा है। और इसके जो शोल्डर है ना वो ड्रॉप है, ड्रॉप शोल्डर है दोनों साइड से ही ये, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लूज है, बट हाँ लूज स्वेटर भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी एक बार। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला था 471 रुपीज का मिला था, कोक एंड कीच का, अंडर 500 रुपीज में ये ऐसा फ्लोवर स्वेटर मिलना मतलब बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एक्चुअल में। और इसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लेना, और अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर लेना, और लेकिन इसको एक सेल पे लेना, अदरवाइज मत लेना। और जो मैंने आज स्वेटर पहन के रखा है वो है ड्रेसबेरी कलेक्शन से, मेरा साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल, 800 समथिंग का अभी मिंत्रा पे दिखा रहा है, बट जो मैंने जब लिया था तो ये 500-600 रुपीज का था। इसका जो स्लीव्स है, इसका जो पैटर्न है मुझे काफी अच्छा लगता है, ये
डार्क ग्रीन कलर का है। इसके जो भी लिंक्स होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये लाइट विंटर के लिए बहुत अच्छा है। ना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो है एक ये जैकेट, ग्रीन कलर की जैकेट है ये, और ये क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। बट वो क्रॉप क्यों लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, ये भी ड्रॉप है शोल्डर इसके, एक ये सॉलिड पैटर्न में आएगी। मुझे ये 494 रुपीज में मिली थी, मतलब अंडर 500 रुपीज में, और ड्रेसबेरी कलेक्शन से है। और जो मेरा साइज था वो था स्मॉल, और इसके नीचे साइज है ही नहीं तो फिर क्या ही करते। बट मुझे ये थोड़ा लूज तो रहेगी, बट हाँ ऐसा एक तो होनी चाहिए सबके पास ही लाइट विंटर के लिए कॉटन फैब्रिक पे। और इसमें ये क्यूट सी इसमें ये पॉकेट्स भी दी गई हैं जो कि मुझे काफी अच्छी लग रही हैं। और इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से एक बार देख सकते हो। आज का लास्ट आइटम जो मैंने मिंत्रा से पिक करा है वो है ये नेवी ब्लू का मॉम फिट स्ट्रेचेबल जीन्स, ये क्रॉप लेंथ में है ये। और इसका जो मिड प्राइस है, ये जो इसका वेस्ट है मिड प्राइस है, और जो इसका साइज है वो 28 लिया है मैंने मस्टर्ड हब्बा का। बट इसका जो साइज है वो थोड़े से बड़े आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक साइज आप अगर ड्रॉप लेते हो तो आपके परफेक्टली फिट होएगा ये, अदरवाइज ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लाइक मेरा 28 है तो मुझे 26 एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये काफी ज्यादा लूज ऑलरेडी होगी तो ये वेस्ट से तो टाइट होनी चाहिए, वेस्ट पे भी बहुत ज्यादा लूज थी। और ये काफी ये क्लीन लुक देगा ये, और इसमें पाइप पॉकेट्स हैं ये, जैसे सब में होती हैं वैसे ही है सेम कॉटन फैब्रिक पे। इसका मटेरियल काफी अच्छा है, स्ट्रेचबल है ये जीन्स, कंफर्टेबल भी रहेगी। बट बस मैं इसका साइज जो है वो एक्सचेंज कर लूंगी। तो इसका जो प्राइस है वो मुझे मिला है 679 रुपीज में मिला है, कूपन अप्लाई करने के बाद मुझे मिला है अंडर 700 रुपीज में ये जीन्स। इसकी जो भी डिटेल्स होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां से एक बार चेक कर सकते हो। ये थे आज के प्रोडक्ट जो मैंने मिंत्रा से लिए थे, आपको इनमें से कौन से अच्छे लगे वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।